हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं आयरन मैन के बारे में और एमसीयू के बारे में भी। मतलब कि क्या आयरन मैन के मरने के बाद एमसीयू भी मर चुका है? क्योंकि यार 3 साल हो गए जब से आयरन मैन गया है, तब से एमसीयू तो बॉलीवुड बन चुका है, एक भी अच्छी पिक्चर ही नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मतलब कि मार्वल वापस इस फील्ड में वापस आएगा, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो हमें माल दिखाया है वो धमाल है भाई। मतलब कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, ये दोनों बवाल चीज है। तो चलिए बिना देरी करते बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो यार, अभी हाल ही में जो रूमर चल रहे उनमें ऐसा बोला जा रहा है कि द कैंग डायनेस्टी के एंड में कैंग हार कर भी जीत जाएगा। मतलब कि कैंग पूरे मल्टीवर्स को एक टाइम लूप में कैद कर देगा, जिससे सारी टाइमलाइन ब्रेक तो हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो उसी जगह फंस जाएंगी जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामो के बीच में, ठीक वैसे ही। लेकिन मूवी में मल्टीवर्स खुलने के कारण हीरोज और सारे विलन एक दूसरे के यूनिवर्स में आते जाते रहेंगे, और इसी की वजह से एक ऐसा केओस क्रिएट होगा जिससे पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के कदार पर होगा। और तभी हमारे जो नए सुपर हीरो होंगे उन्हें आई आयरन मैन की याद, क्योंकि ये जो भी रायता फैला होगा इसे सिर्फ ओल्ड एवेंजर्स ही ठीक कर सकेंगे, क्योंकि ये सब शुरू भी लोकी की वजह से हुआ था। और इसी वजह से नए सुपर हीरो पास्ट में एक मैसेज भेजेंगे जिससे कि ओल्ड सुपर हीरोज को यहाँ पर बुलाया जा सके, और ये सब भी कैंग ही करेगा। और अगर आपको एक गलत फहमी हो तो मैं दूर कर देता हूँ, अगर आप कैंग को इतना खतरनाक विलन समझ रहे हो तो ये आपकी गलत फहमी है। नहीं नहीं, वो मतलब खतरनाक तो है, मतलब कि वो एक फट्टू सा इंसान है जिसे टाइम ट्रेवल में महारत हासिल है, इसीलिए वो फ्यूचर में जाता है, सारे इन्वेशन को अपना बना लेता है और पास्ट में आकर राज करता है। बस यही है इसकी सुपर पावर, ये कोई थेनोस जैसा सुपर विलन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसे अभी तक कोई हरा नहीं पाया, इसे एवेंजर्स ने काफी बार हराया है और इसने भी एवेंजर्स को एक दो बार हराया है। हाँ, तो हमें इस मूवी में यही बताया जाएगा कि नए एवेंजर्स कैसे मैसेज भेजते हैं पुराने एवेंजर्स को, ताकि वो फ्यूचर में आ सके और इन सब मसल को ठीक कर सके। और शायद वो लोकी को भी बताएंगे कि तुम ही हो रेवेंस को मत मारना, क्योंकि उसे ही मारने से ये सब चालू हुआ है, इंकर्जन। और यार इंकर्जन के बारे में जानना है तो ये वीडियो पर टच कर देना, मैंने इसमें फुल एक्सप्लेनेशन करा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।